हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का मेरे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं आया हूँ बागेश्वर धाम में, और यहाँ पे मैं आकर के नोटिस कर रहा हूँ कि जो है कई सारे लोगों का एक ही जो है कमेंट रहता है वीडियोस पे, और कई सारे लोग मतलब शंका भी करते हैं, और उनके मन में यही विचार रहता है कि अगर बागेश्वर धाम हम गए तो हम रहेंगे कैसे, कहाँ रहेंगे, क्या व्यवस्थाएँ हमको मिलेंगी। तो अभी मैं जिस कुटिया में रह रहा हूँ, ये प्रयागराज के ही एक हैं जन जो कि हमारे पास में बैठे हुए हैं, तो इनसे हम आज चलकर बात करते हैं और पूरा का पूरा विवरण जानते हैं कि आपका यहाँ पे एक बेड का एक क्या पूरा एस्टिमेट कितना होता है, बेड वगैरह लेना है तो क्या है, कहाँ से आए तो कैसे आए, तो पूरा पूरा आपको मैं वीडियो में पूरी जानकारी दिलवाता हूँ। तो भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो धन्यवाद भैया। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम में कई कुटियाँ बनाई गई हैं, और यहाँ पर जो है चार्जेस की बात करें तो हम लोग वैसे तो 100 रुपये पर बेड लेते हैं, और जैसे लोगों को और व्यवस्थाएं इसके साथ में चाहिए होती है तो 150 लेते हैं। यहाँ 150 पर बेड, आप देख सकते हैं कि ये बेड लगाए गए हैं, तो ये इनका चार्ज जो होता है 150 रुपये होता है। और 150 में मैं आपको बता देता हूँ कि कंबल भी आपको ओढ़ने के लिए दिया जाता है, कंबल भी नहीं ला सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। नहाने धोने के लिए पानी भी है नहाने धोने के लिए, आप नहा सकते हैं। यहाँ पे वॉशरूम की जो व्यवस्था है भैया, सामने जो है बना हुआ है सुलभ शौचालय। हाँ, सुलभ शौचालय, यहाँ पर्सनल किसी का नहीं है, सब सुलभ शौचालय में ही जाते हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। और इधर भी बना हुआ है, तो व्यवस्थाएं सारी हैं। आपको व्यवस्थाएं जो एक रूम में मिलनी चाहिए, आपको मैं चल के दिखा देता हूँ, आइए। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ, जब आप एंट्री करेंगे बाहर से थोड़ा ले लीजिए तो दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ये प्रयागराज गेस्ट हाउस के नाम से बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो आ जाइए, अंदर आ जाइए। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा ऐसे अगर हम पर्दे लगा देते हैं तो ये हमारी सिक्योरिटी है, पर्दे से लॉक कर देते हैं। और इधर का आप दिखा देते हैं हम, आप देख सकते हैं कि ये रूम लॉक हो गया है चारों तरफ से, तो इधर भी पर्दे हमने लगा रखे हैं। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया जेंट्स के लिए हमने छोड़ रखा है, और ये जो एरिया है ये देख सकते हैं एक रूम लेडीज फीलिंग आती है, तो यहाँ लेडीज को मैं सुला देता हूँ। ये देखिए, पूरा चारों तरफ से ये लॉक है, इधर से दिखाइए ना, ये देखिए। तो ये एक कमरा मैंने लॉक करके रख दिया है, ये लेडीज के लिए स्पेशली है। और अगर कोई जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो ये देख सकते हैं, ये है हमारा रूम पर्सनल, जो कि कोई पर्सनल प्राइवेट, एक फैमिली के लोग आते हैं तो बोलते हैं भैया हमको एक फैमिली है, हम अकेले रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे गद्दे वगैरह सब रखे गए हैं, अभी ये उलट के रखे गए हैं ताकि गंदे ना हो, तो इसको बिछा दिया जाता है, यहाँ पूरी फैमिली एक रूम में रह जाती है। जी ये बताइए, मतलब अगर कोई इस वाले कमरे को लेना चाहता है तो इस वाले कमरे की क्या मतलब प्राइस क्या है, इसका रेंट कितना लेते हैं एक रात का? एक रात का हम इसको जो 500 रुपए देता है, तो उसको पूरा ये रूम दे देते हैं। अच्छा। तो आप इसमें कितने लोग भी सोइए, हमसे नहीं मतलब, कोई मतलब नहीं। उनकी व्यवस्था आप दोगे। हाँ, तो ये कहने का मतलब है कि मैं गद्दे और कंबल दे देता हूँ, आप उसमें अपनी पूरी फैमिली सो सकते हैं। और पास आ जाओ, यहाँ अगर गद्दे जो बिछाए जाते हैं तो वैसे ही देखिए, जैसे गद्दे इधर बिछाए गए हैं, तो इस साइड में आप देख सकते हैं कि जैसे गद्दे बिछाए गए हैं, तो इसी तरह से गद्दे अगर बिछाए जाते हैं तो इनका 150 रुपए है चार्ज, दोनों तरफ बिछाए जाते हैं, तो ये हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारी व्यवस्था है। अच्छा, तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ पे आ करके, मान लीजिए आपके पास गद्दे हैं, कोई जैसे जिनको चारपाई वगैरह चाहिए, जो है पलंग चाहिए, तो उसका क्या रेंट है? चारपाई के लिए भी मैं आपको बता दूं, हमारे भैया हैं रमेश भैया, तो कहने का मतलब है कि अगर जो लोग चारपाई पे रहना चाहते हैं तो हम उनको अपने भैया के यहाँ ले जाते हैं। चारपाई का जो रेट है 250 से लेकर 500 तक का है, जो जैसी व्यवस्था चाहता है उसका वैसा पैसा चार्ज लगता है। अच्छा, तो ये हमारा जो है गद्दे वाला सिस्टम है, और जो चारपाई वाली व्यवस्था है भैया के यहाँ है, तो उनके हमें उनको ले जाता हूँ, देता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, बाकी भैया का भी नंबर है तो इनसे भी आप डायरेक्ट कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ से रहने से रिलेटेड। बाकी आप लोगों को आना हो तो आप लोग जरूर आइए। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।